मुजफ्फरनगर के कचहरी स्थित डीएम कार्यालय में एनआईसी में प्रमुख गृह सचिव अवनीश अवस्थी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षतिपूर्ति सहायता राशि SC ST एक्ट के अंतर्गत क्षतिपूर्ति सहायता राशि के संदर्भ में जिलाधिकारी ने SSP के साथ बैठक की। जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी ने SSP सहित प्रमुख गृह सचिव के साथ बैठक कर पूरी जानकारी ली। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी IAS और IPS अधिकारियों को ब्रीफ कर रहे हैं। बैठक में NIC जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी, SSP अभिषेक कुमार यादव, शासकीय अधिवक्ता OP सिंह, श्रम आयुक्त प्रतिभा तिवारी, SP क्राइम सहित अधिकारी मौजूद रहे। ये प्रमुख सचिव जी बैठक में भाग लिया है। बैठक एक्चुअली ये लिया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मीटिंग थी ये, और उसमें उत्तर प्रदेश शासन की ओर से होम सेक्रेटरी साहब थे, ACS होम साहब थे, बाकी और स्टेट के ऑफिसर थे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SSP डिस्ट्रिक्ट के थे, और डिस्ट्रिक्ट के अन्य अधिकारी भी थे। उसमें यह था कि मानव अधिकार से संबंधित जो भी प्रकरण हैं वो समय से निस्तारित कर दिया जाए और उसमें तेजी लाई जाए, और उत्तर प्रदेश में कहीं भी मानवाधिकारों के जो उल्लंघन के प्रकरण हैं तो उसके बारे में ये समीक्षा गोष्ठी टाइप का था। ये सर क्या निकला? नहीं, जनपद मुजफ्फरनगर का बहुत ही अच्छा है। SC ST का प्रकरण हो, बंधुआ मजदूर के हों, या कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में डेथ का मामला हो, हमारे ज़्यादातर निल हैं और इस जिले में ऐसी कोई समस्या नहीं है, और इस पर बल्कि पूरे UP का बहुत अच्छा रहा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मेंबर्स ने उत्तर प्रदेश शासन की प्रशंसा की है कि और राज्यों की तुलना में मानवाधिकार हनन के मामले हमारे यहाँ बहुत कम हैं, और जो भी प्रकरण संज्ञान में लाए गए उसकी तुरंत रिपोर्ट भेजी गई, और बहुत ही अच्छा डिस्पोजल है UP स्टेट का। ये प्रशंसा की है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लोगों ने।